الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ما زلنا مع الكتاب أمدة الطالب لنيل المعارف الشيخ العلامة منصور ابن يدرس ابن يونس ابن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة उम्दत तालिब नईद अलमआरिफ इस किताब की तशरीह हम देख रहे हैं और इस वक्त हम किताब उज़्ज़कात में हैं और दूसरे किस्म का माल जिस पर की ज़कात वाजिब होती है उन शुरूतों के सही होने के बाद जिसका जिक्र हम कर चुके हैं वो उसमें जो दूसरे किस्म का माल है आज उसका बयान आएगा। ज़कातु अल खारिज मिन अल अर्द यानी कि जो नबातात हैं जो हुबूब हैं मसलन जो चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं वो उन चीज़ों के ताल्लुक से आज ज़कात उन पे कैसे निकलती है क्या मामला है उस ताल्लुक से इंशाअल्लाह आज बात आएगी। ये दर्स नंबर 53 है 53 आज की तारीख 1 दिसंबर 2021 और 26 रबीउल आखिर। तो कल हमने जो है बात की थी बहीमतुल अनाम के ताल्लुक से कि उन पर जो ज़कात है वो कैसे अदा होती है जानवरों पर यानी कि ज़कातु साइमा और हमने देखा था कि सिर्फ ऊंट भेड़ बकरियां और गाय इन पर जो है ज़कात दी जाती है अगर ये अगलबल हौल यानी कि अक्सर साल का अक्सर हिस्सा ये चरने के लिए जाते हैं बाहर यानी कि इनके मालिक पर जिम्मेदारी नहीं है इनको चारा खरीद करके खिलाने की और ये जो है बाहर जाकर के जो चरने की जगह होती है जहाँ पर ये चर सकते हैं जिसमें मालिक को खर्चा नहीं करना पड़ता ऐसे खुले रहकर चरते हैं तो फिर उस सूरत में इनके ऊपर ज़कात अदा की जाएगी दो मजीद शर्तों के साथ। एक तो ये है कि दूध निकालने के लिए इनका इस्तेमाल होता हो और दूसरा ये कि ब्रीडिंग के लिए इनकी तादाद बढ़े और इस वजह से इनको रखा हुआ है तो फिर उस सूरत में इन पर जो है ज़कात अदा की जाएगी यानी कि ज़कात अदा करने का भी इसमें शक्ल है। मसलन अगर यानी कि फी नफसी ही इन्हीं चीज़ों की ट्रेडिंग होती है बिजनेस इसी का होता है मतलब लेन देन हो रहा है भेड़ों का गायों का खरीद फरोख्त इन्हीं की हो रही है तो फिर मामला दूसरा है। इस पर फिर उरूद जिसका जिक्र बाद में आएगा ज़कातुल उरूद यानी कि मर्चेंडाइज की शक्ल में तिजारत जो माल किसी चीज़ की होती है वो तिजारत के अहकाम में फिर इसका जिक्र होगा। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ दूध वगैरह के लिए इनको पालता है और अगर ये चरने के लिए जाते हैं इनका मालिक इन पर खर्चा नहीं करता इनके चारे वगैरह का तो उस सूरत में इन पर जो है ज़कातु साइमा एप्लीकेबल होगी और उस सूरत में जैसे कि बात गुजरी है ज़कात के तौर पर जानवर ही अदा करना पड़ता है तो ये वो बात अभी गुजर चुकी है। आज जो बात आएगी वो बात आएगी ज़कातुल खारिजी मिनल अर्द ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस है जैसे कि दाने हैं दाने से मुराद चावल है गेहूं है और इस तरह की जो चीज़ें हैं मसलन आपका बाजरा है ज्वार है मक्का है इन चीज़ों पर जो है क्या मामला है ज़कात का वो बात इंशाअल्लाह आ जाएगी। तो कहते हैं बाबू ज़कातुल खारिजी मिनल अर्द तजीबू फिकुल लिमा युकालू व युद्दखरु मिन हब्बिन व इल्लम यकुन कूतन कल किरतीमी व तमरिन कतमरिन व ज़बीबिन व लौज़िन इन बलगा निसाबन व हुआ खमसतु औसक। इसकी भी वही शर्तें हैं जो शर्तें पहले गुजर चुकी हैं ज़कात के वाजिब होने की सिवाय इसके कि यहाँ पर हौल का इंतज़ार नहीं होगा। जो हौल का जो शर्त है कि एक साल का गुजरना जो हिजरी एक साल है गुजर जाए उस माल ताम पर वो शर्त यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पर हसाद से जुड़ा हुआ है जब भी कटाई होगी फसल की फौरन उसी वक्त जो है इस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी तो यहाँ पर हौल वाली शर्त नहीं लगेगी। कहते हैं तजीब फिकुल लिमा युकालू व युद्दखरु फी हब हर मकील और हर मुद्दखर करने वाली चीज पर ज़कात होती है ये जो है इस मजहब में कायदा है कि हर वो चीज जो तोली जाती है और जिसको स्टोर किया जा सकता है उसके ऊपर ज़कात अदा की जाएगी। तजीबु फिकुल्ली मा युकालू युकालू मकील तोला जाए जिसको व युद्दखरु जिसको स्टोर किया जाए मुद्दखर किया जाए यानी कि जिसके जिसके जिसको स्टोर करने की पॉसिबिलिटी हो अगर उसको स्टोर करें तो वो ख़राब ना हो जाए सड़ ना जाए
मसलन आपका नारंगी है, ऑरेंज या मौसम्बी है, इसको स्टोर नहीं कर सकते, हालांकि ये फ्रूट है, क्योंकि इसको स्टोर करेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों की जो है ज़कात नहीं होगी, लेकिन वो चीज जिनको की उमूमन जो है तोला जाता है और जिनको की स्टोर किया जाता है और 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर उनको आराम से रख सकते हैं, सड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, उन चीजों पर ज़कात अदा की जाती है। हालांकि जो वाज़े दलील और दलील जो आती है वो असल में सिर्फ चार चीज़ों के ताल्लुक से आती है, इसीलिए बाज़ उलमा जो है कहते हैं सिर्फ चार चीज़ों में ही ज़कात है, कम्ह शईर यानी कि गेहूँ और बाजरी और तम्र और इनब, फ्रूट्स के हिसाब मामले में कहते हैं तम्र और इनब यानी कि खजूर और आपके जो है अंगूर, लेकिन दानों में जो है सूखे जो चीज़ें आती हैं अनाज, इसमें जो है कहते हैं वीट यानी कि गेहूँ और बार्ली यानी कि ज्वार, बस ये दो चीज़ें चार चीज़ें जो है हदीस में इनका जिक्र है, इसलिए कहते हैं कि सिर्फ चार पर ही ज़कात है। लेकिन जो जमहूर उलमा हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुराद यहाँ पर असल में कियास किया जाएगा, मुराद ये है मिसाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की है उससे मुराद ये है कि हर वो चीज़ जो तोली जाए और जिसको स्टोर किया जा सके वो यहाँ पर मुराद है, इसीलिए कियास करते हुए जो भी बाकी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं वो सब भी जिनको कि तोला जा सकता है और जिसको स्टोर किया जा सकता है उस पर ज़कात अदा करनी पड़ेगी। वह इल्लम यकुन कूतन, ये जो जुमला लेकर आए हैं अगर चाहे वह कूतन ना भी हो, कूतन से मुराद खाने पीने वाली चीज़, ये जुमला लाए हैं मालिकिया का रद्द करने के लिए, क्योंकि मालिकिया जो है एक शर्त और लगाते हैं मकील और मुद्दखर के साथ के ये जो चीज़ है आई यकून कूतन कि ये खाई भी जा सके, खाने पीने वाली भी ईटेबल गजा बन सके, तो उनका रद्द करने के लिए कहते हैं अगर चाहिए कूतन ना भी हो, खाने पीने वाली चीज़ ना भी हो, तो भी जो है इस पर ज़कात अदा की जाएगी, और फिर उसकी मिसालें यहाँ पे बयान करते हैं। फिर कहते हैं वह समरिन, और फ्रूट में, फ्रूट्स में कहते हैं कतमरिन जैसे कि खजूर है, वह जबीबिन किशमिश कह सकते हैं, वह लाउजिन, लाउज कहते हैं अपने ये जो बादाम आता है उसको, इन बलगा निसाबन, अगर ये निसाब तक पहुँच जाए तो फिर इन सब चीज़ों में जो आगे जिक्र आया जिसको कि मकील और मुद्दखर स्टोर किया जाए तोला जाए, चाहे वो आपका गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा हो, मक्का हो, कोई भी चीज़ हो, इनको और इसी तरह से ये जो फ्रूट में आपके जो है खजूर है, किशमिश है और आपका जो है बादाम है और इस तरह की चीज़ें हैं जिसको स्टोर किया जा सकता है और जो है ये मकील हैं तोली भी जाती हैं, अगर ये निसाब तक पहुंच जाएं तो फिर इनके ऊपर ज़कात तजीबु वाजिब हो जाती है। और इसकी इसकी निसाब क्या है, कहते हैं वह हुआ खमसतु औसक, 5 औसक हैं और 1 औसक जो है 60 साअ के बराबर होता है, 60 साअ के बराबर, साअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो साअ था उसके बराबर होता है 1 विस्क, और इस तरह से 5 औसक जो हैं ये बनते हैं 300 साअ, और 1 साअ जो है तकरीबन जब हम ज़कातुल फ़ित्र भी अदा करते हैं तो तकरीबन 2.5 किलो के आसपास होता है अंदाजन, यानी वो हर एक आदमी के हाथों को, क्योंकि ये साअ जो होता है 4 या 5 मुद के बराबर होता है, अब वो इंसान की खिलकत पे है, किसी का हाथ मुद बड़ा है किसी का छोटा है, लेकिन एक दरमियानी खिलकत का आदमी है उसका जितना मुद होता है उसके हिसाब से अगर हम मेजर करेंगे तो तकरीबन 2.5 किलो के आसपास ही होता है, और इसीलिए ये 5 औसक 300 साअ जो है आज के वक्त में अगर देखेंगे तो तकरीबन 750 किलो 750 kg, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो जाती है मकील और मुद्दखर, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, कितनी है उसका जिक्र इंशाअल्लाह भी आगे आएगा। उसके बाद कहते हैं वयुदम्मु ज़रउल आमिल वाहिदी वसमरुहु बादुहु इलाबादिन फी तकमीली निसाबिन ला जिन्सुन इला आखर, मानो एक आदमी के पास नखील मजरा है, नखील का उसके पास फार्म है जहां पर की खजूरें उग रही हैं, अब ये जो खजूरें हैं ये मसलन उस नखील में बाज पेड़ सुक्करी के हैं, सुक्करी खजूर, बाज जो है अजवा के हैं, बाज जो है बिरही के हैं, यानी अलग अलग किस्म की खजूरें उन पेड़ों पर उग रही हैं जो उसके पास वहां पर फार्म है उसमें, तो इन सबको कंबाइन कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यानी कि क्वालिटी अलग है इसकी, एक सुक्करी है, एक अजवा है, एक बिरही है, इनकी क्वालिटी जरूर अलग है यानी टाइप अलग है, लेकिन है सब एक ही जिन्स है, सब सबकी सब खजूर कहलाएंगी, तो उस सूरत में इन सबको जमा कर देंगे, अगर चाहे कि सुक्करी जो है सिर्फ 100 किलो ही बनी है और अजवा जो है 1000 किलो बनी है या दूसरी बिरही जो है वो 500 किलो बनी है,
तो अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो सुक्करी पे भी नहीं है, बिरही पे भी जकात नहीं होगी, क्योंकि 750 किलो क्रॉस नहीं किया है। अजवा 750 से ज्यादा 1000 किलो हो गई, उस पर जकात हो जाएगी। तो वैसा नहीं है, क्योंकि ये एक ही जींस से है, सबके सब खजूर कहलाते हैं। तो इन सबको जमा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 किलो प्लस 1000 किलो प्लस 500 किलो, कितना हो गया, 1600 किलो। 1600 किलो पर जकात अदा करनी पड़ेगी। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो युदम जर अल वाहिदी, एक ही साल की जो प्रोड्यूस है, जो जर है, जो प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, जैसे फ्रूट है या कोई भी चीज है, वह समरी ही बादुहा इलाबाद, एक दूसरे में इनको जमा कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, फिर तकमीनी निसाब, निसाब को हासिल करने के लिए, निसाब तक पहुंचने के लिए। ला जिंसुन इला आखर, एक जिंस को दूसरे जिंस में नहीं जोड़ा जाएगा। मसलन किसी आदमी के पास बाग है जिसमें खजूरें भी उगती हैं, जिसमें नारंगियां भी उगती हैं, जिसमें एप्पल भी उगता है, तो ये जो चीजें हैं इन सब का अपने आप में निसाब तक पहुंचना जरूरी है। ये नहीं है कि खजूरें 200 किलो हैं, आपके नारंगी ऑरेंज जो है 300 किलो हैं, एप्पल जो है 250 किलो है, मिला दिया 750 हो गया। नहीं, क्यों, अलग अलग जिंस है, खजूर अलग चीज है, ऑरेंज अलग चीज है, एप्पल अलग चीज है, इनको आप मिला नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जिंस इनकी अलग है, तो उस सूरत में नहीं मिलाएंगे। हर एक इंडिविजुअली निसाब तक पहुंचना चाहिए, तभी जो है ये जो है आप इस पर ज़कात अदा करेंगे। अगर ये अपने आप में हर एक चीज निसाब तक नहीं पहुंच रही है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। उसके बाद कहते हैं वला तजीबू फीमा मलका हो बादा वुजूबिन, वला तजीबू फीमा मलका हो बादा वुजूबिन का मुक्तसबी हस्सादिन। मसलन ये जो फार्म था ये किसी ने खरीद लिया, लेकिन हसाद के बाद, यानी कि एक बार उग गया, सब फ्रूट्स आ गए उस पर, आपकी जो भी मसलन जो है ये नखील का जो फार्म था, बाग था, अब वो फ्रूट्स आने के बाद यानी खजूरें आ जाने के बाद जो है जाहिर हो गई खजूरें, और जो है उनकी सिलाह शुरू हो गई। एक सिलाह क्या होती है ये अभी बात आगे आएगी, यानी फ्रूट पकना शुरू हो गया, यानी कि जाहिर है कि अब इस पे फ्रूट आ चुका है, अब ये जो है तैयार है कटने के लिए, और उसके बाद अगर इसको बेचा जाता है तो फिर इसकी जकात जो है ये मालिक पर ही होगी, जो इसका, जिसने इसको सेल किया है, जकात वही अदा करेगा। नया खरीदने वाला मुश्तरी जो है, बायर, उसके ऊपर जकात नहीं है, जो सेलर है, जो बाय है उसके ऊपर जकात है, वो जकात अदा करेगा। का मुक्तसबी हस्सादिन, जैसे कि जो हस्साद होता है जिसका काम ही है काटना फसल को, अगर उसकी कमाई जो जिसका बाग है वो इस हस्सात से कहता है कि तुम्हारी कमाई जो है वो ये है कि इसमें से कुछ फ्रूट का हिस्सा तुम्हारा होगा, तो ये हस्सात जो है इस पर भी, उस कमाई पर जो 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 फ्रूट काटने का जो एवज उसको मिल रहा है कि ये फ्रूट ही तुम्हारी कमाई है, तो इस हस्सात के लिए भी जकात उस फ्रूट पर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है काटने के बाद का मामला है, ये इसकी असल जकात तो वो मालिक ही अदा करेगा, ये तो इसे उजरत दे रहा है। इसकी जकात अगर होगी तो उजरत पे होगी, जो कमाई वो कर रहा है, अगर वो निसाब से, इसके निसाब से ऊपर पहुंच जाए तो उस फ्रूट के ऊपर ये हस्साद जकात नहीं देगा, वो कहने का मतलब है। वना ही इसी तरह से और कहते हैं वमा जितनाहु मिन मुबाहिन कबुतमिन वजाबलिन अविश्तराहु बादा बुदुवी सलाही ही। किस पर जकात नहीं है, अब कहते हैं कि वो चीजें जो अपने आप मसलन जंगलों में पहाड़ों पर जो उग जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब हबूब भी हैं, कुछ ऐसे जो है चीज़ें भी हैं जो खाई जाती हैं, मगर उसको उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहाड़ों पे जंगलों में अपने आप उग जाती हैं लेकिन खाई जाती हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं इन पर भी ज़कात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई ख़ास तौर से इसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, अपने आप उग जाती हैं, तोड़ के लाए खा लिए, कोई मसला नहीं है। तो कहते हैं वला मज तनाहु मिन मुबाहिन का बुतमिन, ये बुतम जो है असल में ये भी एक किस्म का जो है ग्रीन कलर का हरे कलर का जो है एक बीज आता है, इसको खाया जाता है, जंगलों में उग जाता है। वजाबल इन जाबल जो है ये कह सकते हैं कि जंगली बाजरा जो है जंगलों में उगता है, ये वो है, इसको भी खाया जाता है। अविश्तराहु बादा बुदुवी सलाही, इसी तरह से कोई आदमी किसी खेत को या किसी बाग को खरीदता है कब, बादा बुदुवी सलाही ही, यानी कि फ्रूटों के पकने की शुरुआत के बाद अगर वो खरीदता है तो उसी तरह से उस आदमी के ऊपर जकात नहीं है, जैसे कि बात गुजरी है, जकात मालिक के ऊपर है। क्यों, क्योंकि बिदायत हो चुकी थी उन फ्रूट्स के पकने की, उसके बाद इसको खरीदा गया है, तो ये जिम्मेदारी मालिक की है जो बेच रहा है अपने खेत को या अपने बाग को, कि जकात उन फ्रूट्स पर वही अदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रूट का पकने का सिलसिला है वो
शुरू हो चुका है। उसके बाद कहते हैं फसल। अब ये जो फसल आ रही है, अब ये जकात कितनी है, उस ताल्लुक से बात आएगी कि जकात कितनी अदा की जाएगी इस इखराज पर, यानी जो जमीन से निकलने वाली चीज है इस पर कितनी जकात अदा की जाएगी। कहते हैं फीमा सुकिया बिला कुलफतिन अल उशरु वमा सुकिया बिहा निसफुहु वबिहिमा सवाउन सलासतु अरबाईही। अब जो फसल होती है इसको, या तो ये फसल जो है बारिश के पानी से, चश्मों से, नदियों से अपने आप जो है इसका इरिगेशन होता है, इसको पानी मिलता है और ये उग जाती है। और एक दूसरा तरीका ये है कि आदमी को खर्चा करना पड़े, बारिश नहीं होती है, या बारिश होती भी है तो कम होती है तो उसे खर्चा करना पड़ता है, या तो ट्यूबवेल बोरवेल लगाएगा खर्चा करेगा, ऐसी तरह से पानी खरीदना पड़ता है टैंकरों से, या फिर पानी लाने के लिए मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दोनों सूरतों में जो ज़कात अदा होती है इन चीज़ों पर जो ज़मीन से निकलती हैं, ये अलग अलग है। कहते हैं कि वह फ़ीमा सुकिया बिला कुलफतिन अल उशरु, वो चीज़ें जो कि बारिश के पानी से, चश्मों से, नदियों से अपने आप, यानी जो जिनका कि इरीगेशन हो जाता है, पानी जिनको मिल जाता है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप क्यारियाँ बना दो, एक रास्ता दे दो पानी का, नहर बीच में से गुजर रही है, चश्मा है पानी का, और बारिश है अच्छी होती है, उसी से अगर सैराब हो जाते हैं खेत खलिहान, तो फिर उस सूरत में यहाँ पर 1/10 यानी कि 10% आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अगर 750 किलो आपकी फसल हुई है, 750 किलो, तो उसमें से 75 kg आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। फ़ीमा सुकिया बिला कुलफतिन अल उशरु 1/10 आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। कब? जब ये अपने आप नेचुरल मीन्स से, बारिश से, चश्मों से, नदियों से इसको पानी मिल जाता है खेत को। वमा सुकिया बिहा निसफ़ु, और जो बिहा यानी भी कुलफतिन, अगर उसको पानी देने के लिए फसल को आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से मुराद ट्यूबवेल है, बोरवेल है, इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं, या पानी खरीद कर टैंकरों से मंगा रहे हैं, तो उस सूरत में इसका आधा, अल उशर का आधा कितना होता है, 1/20 हो जाता है। ठीक है, 1/20 यानी उसका आधा हो गया, उतना आपको अदा करना पड़ेगा। किस सूरत में? जब पानी आप मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे खर्च कर रहे हैं पानी के लिए, तो फिर उस सूरत में उसका आधा यानी 1/20 आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, यानी कि तकरीबन 5% आपको 5% अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद वह भी हिमा सवा उन, अगर वो इन ये यानी कि बराबर है, आधा साल आपको जो है बारिश वगैरह से मिल जाता है, चश्मों से, नदियों से, और आधा साल आपकी खुद की जो है मेहनत मशक्क़त से आप पानी दे रहे हैं अपने खेतों को, तो उस सूरत में ये इन दोनों का दरमियाना हो जाएगा। 5% और 10% का दरमियाना कितना होता है, 7.5%, यानी 3/40, सलासतु अरबाईही यानी 3/40, यानी 3/4 ये ही की जो ज़मीर है लौट के उशर की तरफ जा रही है, यानी सलासतु अरबाई अल उशर, ये जो हा ज़मीर है अरबाई ही के बाद ये लौट कर उशर की तरफ जा रही है, यानी 3/4 of 1/10। तो 3/4 of 1/10 कितना होता है, 3/40, और 3/40 होता है 7.5%, 7.5% होता है। तो 7.5% उस सूरत में कि जब दोनों से आप बराबर बराबर साल में जो है सिंचाई करते हो, इरिगेशन करते हो, पानी देते हो अपने खेत को। उसके बाद कहते हैं कि कब यानी कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ ये जो है वक्त आ गया है ज़कात अदा करने का, यानी ज़कात के वजूब का वक्त इन चीज़ों के अंदर आ गया है, कैसे पता चलेगा? कहते हैं वह इज अश्तद्दा हब्बिन औ बदा सलाहु समरिन वजबत। कब वाजिब होगी? जब बीज इश्तिदाद हो जाएंगे। अब ये इश्तिदा हब से मुराद क्या है? अश्तद्दा हब से मुराद ये कि जो बीज होता है शुरुआत में, यानी कि जो गेहूं है या चावल है या बाजरा है या मक्का, ये जो चीज़ें हैं शुरुआत में जब बिल्कुल होता है तो ये बीज नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पकना शुरू होते हैं ये बीज ऐसे हो जाएंगे कि इनको दबाना मुश्किल हो जाएगा। बस ये वो वक्त है जब कहा जाएगा कि अब इस पर ज़कात जो है वाजिब हो गई। इसी तरह से वह बदा सलाहु थमरिन, फ्रूट्स के मामले में जब पकना शुरू हो जाए फ्रूट। अब फ्रूट के पकने की अलामत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस ताल्लुक से है कि जब आपके इस फर्रा और इहमर्रा जब ये पीले होने लगे या लाल होने लगे। मसलन जो खजूर होती है, उगती है तमर, ये शुरुआत में जब रहती है इसको रुतब कहते हैं। ये रुतब जो है यानी गीली खजूर, रुतब जो है ग्रीन कलर की होती है शुरुआत में, जब बिल्कुल फ्रूट आना शुरू होता है तो ये हरे हरे कलर का होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम आगे बढ़े, मसलन 6-7 महीने में साल के
ये जो है रुतब आना शुरू हो जाती है पेड़ों पर, और 10वें महीने तक ये पकना शुरू हो जाती है, यानी येलो या रेड होना शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत में ग्रीन कलर होता है, ये रुतब है, उसके बाद ये जैसे ही पीली या लाल होना शुरू हो जाए तो कहेंगे ये जो है बदा सला हो तमरीन, यानी अब बिदायत हो गई, इसके फ्रूट बनने में, यानी पकना फ्रूट शुरू हो गया, खजूर पकनी शुरू हो गई। तो इसी तरह से बाकी फ्रूट्स में भी होता है कि उनका रंग तब्दील होगा, हरे कलर के होंगे, धीरे धीरे हरे से फिर वो पीले या सुर्खी और लाल रंग की तरफ जाएंगे, तो समझ जाओ कि अब ये शुरुआत हो गई है फ्रूट्स के पकने की, और यही वक्त है कि अब इस पर जकात वाजिब हो गई है। लाकिन ला तस्तकिर इल्ला बिजालिन बिबैदरिन, लेकिन यहाँ पर जकात वाजिब हो गई, लेकिन जकात कब अदा की जाएगी, जब ये तोड़ करके इसको आप मुद्दखर कर लेंगे, आप गोडाउन वगैरह में इसको जब ले जाएंगे तो उसके बाद इस पर जकात अदा करनी, क्योंकि क्या हो सकता है, कभी हो सकता है कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाए, कोई यानी तूफान आ जाए या ओले वगैरह गिर जाए, बर्फ गिर जाए, तो ऐसी सूरत में बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो हो सकता है फसल बर्बाद हो जाए। तो जकात वाजिब हो गई, लेकिन ये अदा कब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि ये सारा माल कट के स्टोर रूम जो है उसमें ना पहुंच जाए, स्टोर हाउस में, स्टोर रूम में जहाँ स्टोरेज होता है, एक बार वहां पहुंच गया, अब ये जो है मुस्तकिर हो गई, अब यहाँ से इसकी जकात अदा की जाएगी। वह नहू कहते हैं फाइन तलीफत फाइन तलीफा कबलाहू बिला तफरीतिन सकतत, अगर ये फसल बर्बाद हो गई बिला तफरीतिन, यानी कि आदमी ने कोई जो है उसकी तरफ से कोई कमी नहीं हुई, उसने पूरा ख्याल रखा था हर चीज का, इसके बावजूद फसल अगर बर्बाद हो जाती है, उसका ये जो प्रोडक्शन है बर्बाद हो जाता है, सकतत, तो फिर उस सूरत में जकात जो है इसके ऊपर से साकित हो जाएगी, क्योंकि इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब किसी वजह से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, इसकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था, इसकी तरफ से जो है कोई भी इसने जो है ऐसा काम नहीं किया कि जिससे फसल बर्बाद हो जाए, उसने ध्यान ना रखा हो, ऐसा मामला नहीं था, तो उस सूरत में इस आदमी के ऊपर से जो जकात है वो साकित हो जाएगी, अब इसको जकात अदा नहीं करना। उसके बाद कहते हैं वह जकातु अला मुस्ताजिरिन वा मुस्ताइरिन दूना मालिकिन, जकात जो है मसलन एक आदमी था जिसके पास जमीन थी, उसने जमीन किसी को रेंट पे दे दी, या किसी ने उससे बोरो कर ली, जमीन ले ली किराए पर, या उसने दे दी लोन के तौर पे कि जमीन तू इस्तेमाल कर, तो ये जमीन पर जो भी चीज उगेगी इसकी जकात उस रेंट पे लेने वाले या उस जमीन को बोरो करने वाले पर है, ना कि उस मालिक पर जो कि किराया ले रहा है। वो तो किराए पे देगा, अगर उसका किराया निसाब से ज्यादा हो गया तो किराए पे वो अदा करेगा, लेकिन जमीन से जो चीज उगेगी और निकलेगी उस पर जकात ये मुस्ताजिर या मुस्ताइर जो है ये अदा करेंगे, उसी चीज को यहाँ बयान किया है। कहते हैं वो यजतमियु उशरुन व खराजुन फी खराजियतिन, अब खराजिया की ये जो है अल अर्द अल खराजी, खराजी जमीन किसको कहा जाता है, खराजी जमीन जो है ये जो है कहा जाता है मसलन जो किसी जमीन पर जब जंग होती है, मुसलमान मुसलमानों की और किसी जमीन की कुफारों के दरमियान जंग होती है, जंग के बाद ये जो है मुसलमान मसलन फतहल मुस्लिमून हाजिहिल बलद, मुसलमान जो है इस बलद को अगर कैप्चर कर लें, जीत लें, तो यहाँ पर इस जमीन में ये जो मुल्क को जीता गया है इसमें जो जमीनें होंगी वो अब इस्लाम के कंट्रोल में आएंगी, इस मुसलमान हुकूमत के कंट्रोल में आएंगी। अब यहाँ पर दो शक्लें हो सकती हैं, एक तो ये कि ये जमीन जिस मुल्क पर कब्जा हुआ है उसमें ये जमीन, बहुत सारी जमीनें होंगी, लोग रहते हैं वहां पे, जमीनें हैं लोगों की, अब इसमें ये हो सकता है, एक तो सूरत ये है कि वो जो जमीन है किसी काफिर की होगी, अगर ये जमीन किसी काफिर की है तो इस जमीन पर कब्जा बाकी रखने के लिए कि भैया जमीन तुम्हारी है, जमीन तुम्हारी ही रहेगी, तुम्हारे ताबे में इस जमीन को रहने दिया जाएगा, बदले में तुमको क्या करना पड़ेगा, खिराज देना पड़ेगा, यानी एक किस्म का टैक्स है वो, वो जो है जो वली उल अम्र है और जो कमांडर होगा आर्मी का, या वली उल अम्र है या हाकिम है या अमीर है, वो फैसला करेगा कि वो खिराज कितना लिया जाए, लेकिन एक किस्म का टैक्स है जो उस आदमी के पास उस जमीन को छोड़ने के एवज में और बदल में लिया जाएगा, जिसको खिराज कहा जाएगा, तो ये खिराज। और अगर ये जमीन किसी मुसलमान की होगी तो अब ये मुसलमान जो है इससे खिराज तो नहीं ले सकते, इससे जकात अदा करेगा ये आदमी, ये मुसलमान अब जो है इस ये जो है वली उल अम्र को, बैतुल माल को जकात अदा करेगा, उस जमीन पर जो भी ये काम करता है, जो उगाता है फल फ्रूट्स वगैरह या अनाज उगाता है, उसकी जकात अब ये जो है बैतुल माल को अदा करेगा। तो ये जो है एक चीज खराज है और एक चीज जो है वो जकात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी अल अर्दुल खराजिया ही अल अर्दु अल्लती फतहुल मुस्लिमूना
अकर्रु बेआईदी असहाबिहा मिनल कुफारी, जैसे कि हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हें जब इराक को कैप्चर किया था तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि जमीनें जो है कुफार के पास छोड़ दी, बदले में उनसे जो है खराज लिया, और जो है ये जो है वहां से साबित है कि इस तरह से जो है हजरत उमर रजी अल्लाह उनसे खराज लिया था। एक सूरत ये बनती है, एक तो सूरत ये हो गई कि जमीन या तो काफिर की होगी या फिर जमीन जो है ये मुसलमान की होगी। एक सूरत यह भी बनती है कि जब जमीन कैप्चर करेंगे मुसलमान तो ये जो जमीन है यहाँ की ये बैतुल माल के कब्जे में चली जाएगी। तो जब ये ऐसा होता है कि जमीन किसी एक आदमी की नहीं रही, ना काफिर की ना मुसलमान की, अब ये जमीन बैतुल माल के अगर अंडर में चली गई है तो अगरचे कि ये जमीन मुसलमान की भी रही तो उससे उश्र भी लिया जाएगा, यानी उश्र उसके प्रोडक्शन पे जो वो अनाज और फल फ्रूट उगा रहा है उसके लिए उससे 1/10 लिया जाएगा ज़कात का, और उसके अलावा उससे खराज भी लिया जाएगा क्योंकि ये जमीन एक तरह से अब उसकी नहीं रही, ये बैतुल माल की जमीन है तो उसका एक तरह से एक टैक्स या किराया समझ सकते हैं जो खराज उससे वसूल किया जाएगा। तो ये वो सूरत है जो कि बहुत नादिर वकूअ सूरत है, बहुत रेयर है कि ऐसा हो, या तो होगा ये कि खराज होगा या फिर ज़कात अदा ली जाएगी, लेकिन ये एक सूरत है जो बन सकती है। और जैसे हमने बात कही थी कि जो ये फुकाहा है ये जो बिल्कुल अकल और बिल्कुल अदना सूरत जो हो सकती है, चाहे कि नादिर वकूअ हो, इंसान के फहम से बहुत दूर भी हो, तो भी जो मिनिमम हो सकता है, सबसे कम से कम क्या हो सकता है, यानी किस हद तक कोई चीज जा सकती है, उसको बयान करते हैं, अगर चाहे वो नादिर वकूअ भी क्यों ना हो, ताकि इससे ऊपर की कोई चीज हो तो आसानी से आदमी उसको हल कर सके। तो वही अजतमी उशरुन व खराजुन फिल खराजियत, ये जो मुराद है खराजिया से मुराद है वो जमीन जिसको कैप्चर कर लेते हैं मुसलमान कुवतन, लड़के यानी जंग हो किताल हो उसकी बात हो रही है ये। उसके बाद कहते हैं ये एक जो मसला आ रहा है इख्तिलाफी मसला है, वफिल आसली, ये आसल कहते हैं शहद को, वफिल आसली इजाकान आशरत अफराक। अब ये जो आसल का मामला है शहद का, इसमें इख्तिलाफ है, उलमाओं के दरमियान में इख्तिलाफ है। हनाबिला के नज़दीक शहद पर ज़कात अदा की जाएगी, जमहूर कहते हैं कि शहद पर ज़कात अदा नहीं की जाएगी। तो हम अभी यहाँ पर हनाबिला के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। जमहूर कहते हैं शहद पर ज़कात नहीं है। वफिल असली इज़ाकाना अशरत अफराकिन अफराकिन उशरुहू 1/10 ज़कात अदा की जाएगी, अगर ये अशरा अफराक हो जाएगा 10 अफराक। अब 10 अफराक कितने होते हैं, तकरीबन आज के वक्त में 60 से 75 किलो 60 to 75 kg शहद अगर है किसी आदमी, मसलन किसी के पास पेड़ है बहुत सारे, बड़ा बाग है उसमें पेड़ है, मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया और काफी शहद उसमें, उम्मीद है कि निकले उसमें से शहद, मसलन 60 किलो या 75 किलो 60 से 75 किलो से ज्यादा अगर शहद निकलता है तो उसका 1/10 जो है वो ज़कात उसकी अदा की जाएगी। अखज़हु मिल मिल्की है अमवात वफी मादनिन इन बलगा निसाबन रुबुल उशर। इसी तरह से मादन कहते हैं मिनरल्स को, मिनरल्स जो जमीन में जमीन से निकलते हैं, मसलन लोहा है, तांबा है और ये चीजें, यानी जो जमीन से निकाली जाती है जो मिनरल्स हैं वो जो जमीन से निकलते हैं पहाड़ों वगैरह से खोद करके निकाले जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है अगर वो निसाब तक पहुंच जाए तो इनके ऊपर भी जो है 2.5% रुबुल उशर, यानी कि 1/40। रुबुल उशर मतलब 1/10 का 1/4, यानी 1/40। 1/40 मतलब 2.5%, तो इस पर जो है 2.5% है। कहते हैं वो फिर रिकाज, रिकाज कहते हैं कंज को, यानी दिफ्नुल जाहिलिया, जो दौरे जाहिलियत में जो चीजें मदफून कर दी गई थी, चाहे वो कितना ही पुराना दौर क्यों ना हो, ये जब मिलेंगी, इसको जब निकाला जाएगा, जो दिफ्न जाहिलिया है ये मिल गया घर खोदते टाइम, यानी किसी ने इसके लिए मेहनत तो की नहीं है, जमीन खोद रहे थे घर बनाने के लिए या किसी भी वजह से नीचे से खजाना निकल के आ गया, इसके अंदर अल खुमस यानी कि 1/20, सीधा 20% है इसमें, इसमें 20% आप देंगे चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, इसमें ना निसाब देखा जाएगा, इसमें ना हौल देखा जाएगा, निकला है अगर एक अंगूठी क्यों ना निकली हो जिसकी कीमत अगर 500 रुपए क्यों ना हो, सीधा 500 रुपए का 20% 100 रुपए बैतुलमान में जमा कर दिया जाएगा, ये रिकाज का मामला है। अब ये जो दफन है, जो मदफून चीज है, या तो ये दफीनुल जाहिलिया होगी या दफीनुल इस्लाम होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दफीनुल जाहिलिया होगी तो इसको रिकाज कहा जाएगा और इसके ऊपर आपको जो है 20% अदा करना पड़ेगा ज़कात 1/5। अब पता कैसे चलेगा, तो अलामतें होती हैं, इसको पहचानने वाले लोग भी होते हैं, देख करके बता सकते हैं कि किस दौर की है ये, चाहे मुसलमानों की है नहीं है, मुसलमानों की होगी तो उम्मीद तौर पे पुराने वक्त में या तो कलीमा लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या कोई ना कोई अलामत ऐसी होगी जिससे पता चलेगा कि ये
जो दफीन है ये जाहिलियत की है या इस्लाम की दौर की। अगर जाहिलियत की होगी तो ये रिकास कहलाएगी और इस पे आप 20% ज़कात अदा करेंगे, चाहे कम हो ये खजाना या ज्यादा हो। अगर ये इस्लाम की है, दफीनुल इस्लाम है ये, तो फिर इसे लुकता कहा जाएगा, यानी कि मिसिंग आइटम। और उसका हुक्म इंशाल्लाह बाद में हम जब आगे जाएंगे तो लुकता का मामला क्या है, कैसे डील करते हैं इस चीज़ को, वो आगे जाके किताबुल बुयू वगैरह में आगे जाके वो बात आएगी कि लुकता का मामला क्या है। तो ये जो चीज़ें थी ये फ्रूट्स के ताल्लुक से थी। इसमें एक चीज़ और जो यहाँ बयान नहीं की गई है, वो दूसरी किताब दलील उत्तालिब नईल मारिब, इस किताब में उसको बयान किया है कि जो इमाम है, इसे यहाँ बयान किया है कि वले अलील इमाम बासु खारिसिन, खारिज को भेजा जाने पता कैसे लगाया जाएगा कि इस बाग में कितना प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। तो उसके लिए जो खारिज होता है, खारिज कहते हैं एक ऐसा आदमी जिसके पास तजुर्बा है, जो नॉलेज रखता है चीज़ों को, यानी कि वो देख करके बता सकता है पेड़ों को कि इस पे कितना प्रोडक्शन होगा, तो ये खारिज कहते हैं उसको। खारिज या खुर्रास, जिसका यही काम होता है, जिसका महीना यही है कि वो जाए तजुर्बे की बुनियाद पर देखे और बताए कि किस पेड़ पर कितने फल, कितने किलो फल यहाँ पर आ सकता है, वो बताएगा। तो इमाम या वली उल अम्र जो है, हाकिम जो है, काजी जो है, वो इसको भेजेगा खारिज को, वो पेड़ देखेगा, गिनेगा और बड़ा बाकायदा लिखते रहेगा कि भाई इस पेड़ पे जो है मसलन 100 किलो आने के चांस है, फिर दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, ऐसे पूरा लिस्ट बनाएगा वो और सबको फिर जोड़ देगा मजमूई तौर पे, और फिर बताएगा कि भाई इतना आपका प्रोडक्शन है मसलन 1500 किलो। अब 1500 किलो का 10% वो पूछेगा भाई आप इसमें पानी कैसे देते हो, कहते हैं माशाल्लाह बारिश अच्छी होती है, बारिश से हमारा हो जाता है नहरों वगैरह, कहते हैं ठीक है अब 10% आपको इसका अदा करना पड़ेगा ज़कात, 150 किलो ज़कात हम आपसे लेंगे जब ये फ्रूट पक जाएंगे। अभी तो ये देखने आया किस वक्त, पकने से थोड़ा सा पहले ये इसको जो है इमाम वली उल अम्र भेजेगा, जाके चेक करो, चेक करके लिस्ट तैयार हो जाएगी। फ्रूट जब पक जाएगा तो कहते हैं वजीब अलैहि बासु सआती क़ुर्बल वुजूबी, यानी कि जब ज़कात के वाजिब होने का वक्त आ गया, उससे वसूल करने का, उसके करीब फिर इनको भेजा जाएगा ज़कात को कब्ज करने के लिए, कब्जे में लेने के लिए। लिखब्दी ज़कात अलमाली अज़ाहिरी पे, बाज माल ज़कात के जो हैं अमवाल अज़ाहिरिया होते हैं और बाज जो हैं अमवाल अलबातिना होते हैं। अमवाल अज़ाहिरिया कैसे, जैसे मवाशी हैं या मवेशी वगैरह जो हैं, जानवर हैं, ऊँट हैं, बकरियाँ हैं, गाय हैं, ये सब जो है ज़ाहिरी माल है, देख करके पता चलता है। तो इसमें इन चीज़ों के अंदर, जैसे ये है फ्रूट वगैरह का मामला है, खेती है, ये नज़र आती है कितना इसमें प्रोडक्शन हो सकता है, तो इन चीज़ों में जो वली उल अम्र होगा, इमाम हाकिम होगा, वो भेजेगा अपने बंदे को, जाओ जाके देखो और ज़कात लेकर आओ, वसूल करके आओ, ज़बरदस्ती क्यों ना हो, ज़कात वसूल करके आओ। ये अमवाल ज़ाहिरिया है। अमवाल अलबातिना जिसका जिक्र आने वाला है इंशाअल्लाह, नकदैन, गोल्ड है, सिल्वर है, नकद कैश है, ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती हैं, आदमी के पास रहती हैं, इन चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। वली उल अम्र भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा ना, जो चीज़ नज़र ही नहीं आती, पता ही नहीं है उसके पास कितना माल है नहीं है, तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं होगी। लेकिन ये ज़कात ज़ाहिर जो है, इसके ऊपर जो है हाकिम ज़बरदस्ती करके भी वसूल करेगा। तो ये यानी पता करने का तरीका है, जिसके लिए खारिज जो होता है ये जिम्मेदार है, वो देखेगा और पता करेगा कि प्रोडक्शन होने की कितनी उम्मीद है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मसलन एक आदमी है, कोई ये कह सकता है कि ठीक है 1500 किलो आज नज़र आ रहा है कि इस पे बनेगा, लेकिन हो सकता है कि पकने तक इस पे से जैसे चिड़िया वगैरह जो है वो खा लेती हैं, या कोई आफत आ गई जिसकी वजह से कुछ फसल बर्बाद हो गई, या इसी तरह से कोई फ्रूट जो है टूट के जब गिर जाता है तो अब उसकी सलाह नहीं हो सकती, यानी अब वो इससे ज़्यादा नहीं पक सकता, वो तो ख़राब हो गया। तो इन चीज़ों को अकाउंट भी तो करना पड़ेगा, इसके लिए क्यों जो है मुहासबा हो इस आदमी का, और इस पे ज़कात क्यों अदा करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूट देते हुए कहा था कि एक तिहाई या एक चौथाई जो हिस्सा है उसको माफ़ कर देना चाहिए इन चीज़ों को देखते हुए। और खुर्रास या खारिज जो है, इसका एक काम होता है, इसको ये सारा तजुर्बा होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का एटमोसफियर कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पर चिड़ियाँ कितनी है, कितना आती हैं, यहाँ पर हशरात जो इंसेक्ट्स हैं छोटे बड़े जो नुकसान पहुँचा सकते हैं फसल को, हवाएँ कितनी तेज़ चलती हैं जो कि हो सकता है कि फ्रूट्स को, फसल को गिरा दें, बर्बाद कर दें कुछ हिस्से को, इन सारी चीज़ों को पे जो है गौर व फिक्र करने के बाद फिर वो जो है इसमें छूट देता है कि ठीक है 25% आपका, ये 1500 आया है टोटल, इसमें 25% की रुख्सत है, 75% 1500 का इस ये आपका जो है ज़कात के लिए अकाउंटेबल होगा, इसकी 10% आप जब ये पक जाएगी तो आप अदा करेंगे। तो ये इस तरह से जो है इख्तिसार के साथ मामला किया जाता है। और ये हमारा जो पोर्शन था ये ज़कात खारिज मिनल अर्द के ताल्लुक से था। इंशाल्लाह कल जो बात होगी अब नकदैन के ताल्लुक से, यानी गोल्ड और सिल्वर के ताल्लुक से कल बात आएगी इंशाल्लाह। आज इसको यहीं पर रोकते हैं।
सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।